हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। दोस्तों, आज हम ये ब्लाउज पीस के बचे हुए कपड़े में से बहुत ही यूज़फुल बैग बनाएंगे, ब्यूटीफुल सी। तो सबसे पहले मैंने क्विल्ट कर लिया है, अब मैं इसका आपको नाप बताती हूँ। तो ये 16x26 इंचेस का है, यहाँ से 26 इंचेस है। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो स्ट्रिप लेनी है 16x2.5 इंचेस की, और इसे ये जो पार्ट हमने लिया है क्विल्ट किया हुआ वहाँ पे 3 इंचेस पे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से 3 इंचेस पे मार्क करके ऐसे स्ट्रिप को रखना है और सीधा स्टिच करना है। दोनों साइड हमें उसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम ऐसी दो स्ट्रिप लेंगे हैंगर बनाने के लिए। तो इसका नाप है 23x4 इंचेस। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है और फिर दोनों साइड स्टिच कर लेना है। देखिए, ऐसे हमें फोल्ड करना है और फिर स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे हैंगर रेडी हो गए हैं। और अब हम हैंगर को यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। और दोस्तों, आप अपने हिसाब से सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है रख सकते हैं। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हमें उसी तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा स्टिच हो गया है। अब हमें ऐसा स्क्वायर पीस लेना है 10x8 इंचेस का, और 8 इंचेस की हमें जिप लेनी है और ऐसे स्टिच कर लेना है। सॉरी, 10 इंचेस की जिप लेनी है और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें, देखिए ये हमारा पॉकेट बनेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी साइड लगा सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा पॉकेट रेडी हो गया। अब हमें जिप को लेना है, 16 इंचेस की जिप को लेना है, ऐसे रख के स्टिच करना है और जिप को ऐसे ओपन कर लेना है और दोनों साइड हमें इस तरीके से रखना है और स्टिच करना है। अब हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी प्रेस स्टिच हो गई है। अब हम जिप के अंदर रनर को डाल देंगे। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और नीचे की ओर यहाँ पे दोनों साइड हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमें ऐसी स्ट्रिप लेनी है, और उससे पहले हमें यहाँ पे 1 इंचेस पे मार्क करना है। 1x1 इंचेस का ऐसा स्क्वायर बनाना है और कट कर लेना है। और देखिए, जहाँ पे हमने सिलाई की है वो हमने वहाँ से मार्क नहीं किया है, और इसी कट किया हुआ जो पार्ट है वो दूसरी साइड रखेंगे और वही नाप से कट कर लेंगे। अब हमें ऐसी स्ट्रिप लेनी है और ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ इसके ऊपर स्टिच कर लेना है, ताकि रेसे निकले ना। दोनों साइड हमने उसी तरीके से स्टिच किया है। अब हमने जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे ऐसे करके स्टिच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हमें ये स्ट्रिप लेनी है और इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम बैक को सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल सी बैक हो गई है रेडी। और दोस्तों, अगर आपको नॉन वन जीप या फोम आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही यूज़फुल सी बैग हो गई है, तो आप ज़रूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।